हमारे प्रदेश के बहुत से पशुपालक भाई दुधारू पशुओं का पालन कर रहे हैं और वे अच्छा लाभ भी प्राप्त करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ पशुपालक भाइयों के पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग की समस्या देखने को मिल जाती है। इसका समय से निदान करना बहुत ही जरूरी होता है। तो पशुओं में खुरपका मुंहपका की रोकथाम कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर आशीष कुमार सोनी। मुंहपका खुरपका रोग, जिसे हम FMD के नाम से भी जानते हैं, ये गाय भैंस भेड़ बकरी सुअर आदि पालतू पशुओं में होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। खासकर दुधारू गाय और भैंस में ये बीमारी अधिक नुकसानदायक होती है। ये रोग एक अत्यंत सूक्ष्म विषाणु से होता है। ये पशुओं में अत्यधिक तेजी से फैलने वाला रोग है। अब इस रोग के लक्षण जानना बहुत आवश्यक है। तो प्रमुख रूप से देखा जाए तो यह रोग गाय और भैंसों में ज़्यादातर पाया जाता है। रोग की पहली पहचान यह है कि इससे तेज बुखार आता है। शुरुआत में पशु के मुख से लार बहती है। पशु को चारा चबाने में अत्यंत दिक्कत होती है। कुछ समय बीत जाने के बाद जो खुर होते हैं, खुरों में घाव बनने लगते हैं। पशु को चलने में अत्यधिक तकलीफ होती है। इसके अतिरिक्त जो दुधारू पशु हैं उनमें दुग्ध उत्पादन बहुत तेजी से गिरता है। अगर पशु गर्भावस्था में है तो कई बार गर्भपात भी हो जाता है। तो देखा जाए तो यह आर्थिक रूप से बहुत ही हानि करता है। बीमार पशु के मुंह मसूड़े जीभ के ऊपर नीचे ओट के अंदर का भाग खुरों के बीच के जगह पर छोटे छोटे दाने से उभर आते हैं। फिर धीरे धीरे ये दाने आपस में मिलकर बड़ा छाला बनाते हैं। समय पाकर ये छाले फल जाते हैं और उनमें जख्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में पशु जुगाली करना बंद कर देता है। पैरों के जख्मों में जब कीचड़ मिट्टी आदि लगती है तो उनमें कीड़े पड़ जाते हैं और उनमें बहुत दर्द होता है। पशु लंगड़ाने लगता है। समय पाकर व इलाज होने पर ये छाले व जख्म भर जाते हैं, परंतु संकर पशुओं में ये रोग कभी कभी मौत का कारण भी बन जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि शुरुआती अवस्था में ही पशुपालक जो है उसमें अच्छी तरह घाव की सफाई करें। सफाई के लिए आप हाइड्रोजन परऑक्साइड पोटेशियम परमैंगनेट युक्त पानी का उपयोग कर सकते हैं। उससे सर्वप्रथम आप घाव को अच्छी तरह से साफ करें पहले। उसके बाद दूसरा, जब घाव साफ हो जाते हैं इसके बाद घरेलू उपचार आप क्या कर सकते हैं, जो भी घाव दिख रहे हैं पशु को उसके ऊपर आप कोई भी एंटीसेप्टिक दवा या आयुर्वेदिक पद्धति से तैयार किया हुआ कोई आइंटमेंट, जैसे कि हम बात करें तो हमारे पशुपालक भाई जो है नीम घी इत्यादि से बनाया हुआ ऑइंटमेंट जो है पशु को लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त मुँह में जो छाले बन जाते हैं उसमें भी यह बहुत ही कारगर है। तो ये तो हो गया शुरुआती अवस्था में। अब कई पशु ऐसे होंगे जो कि देखभाल ना होने के कारण कीड़े पड़ जाते हैं, तो कीड़ों को ख़त्म कैसे करें, तो उसके लिए सबसे आसान उपचार है तारपीन का तेल। जो तारपीन का तेल होता है इसकी आप कुछ मात्रा जो है जहाँ पर घाव बना हुआ है कीड़े हैं वहाँ आप लगा के छोड़ दें। अगर ये खुरों के अंदर जो है काफ़ी गहराई में है तो आप क्या करें कि रुई लें और रुई को तारपीन तेल में भिगा दें और भिगाने के बाद उसे आहिस्ता आहिस्ता घाव के अंदर आप भर कर छोड़ दें और 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बाद जब उसका असर होगा तो जो कीड़े हैं वो मर जाएंगे। आप आहिस्ता आहिस्ता उस रुई को वहाँ से निकाल लें और पुनः उसके अंदर जो आइंटमेंट है मलम है उसको आप अच्छी तरीके से उसमें लगा दें। इस रोग से अन्य पशुओं को बचाने के लिए सावधानी रखना जरूरी होता है। इसके लिए आप प्रभावित पशु को साफ एवं हवादार स्थान पर अन्य स्वस्थ पशुओं से दूर रखें। पशुओं की देखरेख करने वाले व्यक्ति को भी हाथ पांव अच्छी तरह साफ कर ही दूसरे पशुओं के संपर्क में जाना चाहिए। प्रभावित पशु के मुंह से गिरने वाली लार और पैर के घाव के संपर्क में आने वाली वस्तुओं जैसे पुआल भूसा घास आदि को जला देना चाहिए या जमीन में गड्ढा खोद कर चूना के साथ गाड़ दिया जाना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ये बीमारी आपके क्षेत्र में हो ही ना, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो सबसे बढ़िया तरीका है इसका रोकथाम का वो है टीकाकरण। और यह टीका साल में 2 बार लगाया जाता है। पशुपालक भाई इन टीकों को शीत ऋतु के आरंभ होने से पूर्व और इसके पश्चात जो शीत ऋतु खत्म होती है लगभग 2 टीकों के बीच में 6 महीने का अंतर होना चाहिए। तो साल में 2 ये टीकाकरण जो है
पशुपालक भाई हमें जो है अपने पशुओं को अवश्य करें, इससे आप फुट एंड माउथ डिजीज बीमारी से पशुओं को बचा सकते हैं। तो पशुपालक भाइयों, मेरे द्वारा ये जानकारी आपको दी गई है, अगर इन जानकारियों को आप अच्छी तरह से अपने मन में सुधार करते हैं तो आप निश्चित रूप से इन बीमारियों से अपने पशु को बचा सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। किन्ने के मामले को लेकर एक आरोपी को किशनगढ़ बास इलाके से गिरफ्तार किया, कोतवाली थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल विजेंद्र सिंह ने जानकारी दी। फलोदी थाना इलाके के खेतूसर गांव में करंट लगने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। खेतूसर गांव के पास एफआरटी की टीम की ओर से बिजली का काम करते वक्त यह हादसा हुआ है। नौखा से भाजपा विधायक बिहारी लाल बिश्नोई का बयान सामने आया। नौखा विधायक ने कहा कि लोकतंत्र में विचारों की अभिव्यक्ति जरूर है, लेकिन नेताओं को अपनी भाषा संयमित और मर्यादित रखनी चाहिए। लोक देवता बाबा रामदेव का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया, तो वहीं बीकानेर में भी रामदेव मेले में जाने के लिए हजारों की तादाद में यात्रियों का जत्था दिखाई दे रहा है। प्रतापगढ़ के धमोतर थाना इलाके से लापता हुई एक युवती का शव मिलने से मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवती पर शादी का दबाव बना रहा था, हालांकि उसने इस बात को मानने से इनकार किया था। उदयपुर संभाग में लगातार अच्छी बारिश हो रही है। कैचमेंट इलाके में लगातार बारिश की वजह से जलाशयों में पानी की आवक फिर से शुरू हो गई है। इधर झाड़ोल के मानसी बाकल बांध के भी गेट खोले गए हैं, तो वहीं सभी छोटे बड़े बांधों में पानी की आवक तेज हुई है। अलवर जिले में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एनईबी थाना पुलिस ने दो अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की। दो आरोपियों को अवैध शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया है। बीकानेर में गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है, और ऐसे में बाजारों में इस बार भी एनवायरमेंट फ्रेंडली मिट्टी की मूर्तियों की खास डिमांड है। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने आज राजधानी जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू में प्रदर्शन कर ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसान भाइयों, आने वाले समय में तापमान भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। ऐसे में जो किसान बटन मशरूम की खेती करना चाहते हैं, उन्हें अभी से इसके लिए कंपोस्ट तैयार करना होगा, क्योंकि कंपोस्ट तैयार करने में लगभग एक माह का समय लगता है और मशरूम का अच्छा उत्पादन कंपोस्ट पर निर्भर करता है, इसलिए कंपोस्ट सही तरीके से तैयार करना पड़ेगा। तो चलिए बटन मशरूम की खेती के लिए कंपोस्ट तैयार करने की सही विधि के बारे में जानते हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर एन कुदादा से। देश में श्वेत बटन मशरूम की खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है। उत्पादन की दृष्टि से इसका विश्व में प्रथम स्थान है। देश के मैदानी व पहाड़ी भागों में श्वेत बटन मशरूम को शरद ऋतु में उगाया जाता है, क्योंकि इस ऋतु में तापमान कम तथा हवा में नमी अधिक होती है। मशरूम की खेती करने का तरीका खाद्यान्न और बागवानी फसलों से बिल्कुल भिन्न है, अतः इसकी खेती शुरू करने से पहले प्रशिक्षण देना हितकर होता है। कंपोस्ट को कैसे बनाते हैं और उसके लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है, तो उसके संबंध में मैं आप लोगों को विस्तृत जानकारी दूंगा। सबसे पहले गेहूं का भूसा लें या आपका धान का भूसा भी ले सकते हैं, लेकिन जो भी लेंगे मिनिमम कम से कम 5 क्विंटल का ये होनी चाहिए। गेहूं का भूसा 5 क्विंटल लेनी चाहिए। इसके साथ उसी रेशियो में आप दे सकते हैं हमने यूरिया 8.5 kg और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 10 kg लें। सिंगल सुपर फॉस्फेट आपका 5 kg और म्यूरेट ऑफ पोटास 5 kg और चोकर 25 kg और गुड़ का सीरा 11 kg और जिप्सम 50 kg और फुराडॉन या मुर्गी खाद हम लोग लेते हैं 175 kg। इतनी सामग्री आपको इकट्ठा कर लेनी होगी पहले ही, जब बना खाद बनाने से पहले ही आपको मिनिमम यानी कि कम से कम 5 क्विंटल
स्टोव का बनाना होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए इससे कम बनाएंगे तो क्या होगा, उसका डिकम्पोज नहीं हो पाएगा। आजकल वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों के फलस्वरूप खुम्ब को कृत्रिम ढंग से तैयार की गई खाद कंपोस्ट पर उगाया जा रहा है। श्वेत बटन खुम्ब उगाने के लिए खाद यानी कंपोस्ट को तीन विधियों से तैयार किया जाता है, जिनमें पहली है छोटी विधि, दूसरी है लंबी विधि और तीसरी है इंडोर विधि। छोटी और इंडोर विधि से खाद तैयार करने में समय कम लगता है, लेकिन अधिक पूंजी और संसाधनों की आवश्यकता होती है, जो कि काफी महंगे हैं। फिलहाल हम चर्चा करते हैं लंबी विधि से खाद बनाने की, जिसे किसान आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो इसके इतना सामान इकट्ठा कर लिए, इकट्ठा करने के बाद फिर हम लोग इसको गेहूं का भूसा को हम लोग भिंगा लेते हैं, एकदम दो दिन तक भिंगा लेते हैं, एकदम पानी डाल करके स्प्रे करके हम लोग दो दिन भिंगा लेते हैं। और जिस दिन सारा चीज़ को मिलाएंगे, यानी कि और सामग्री जैसे यूरिया, कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट, SSP, म्यूरेटो पोटास, चोकर, गुड़ का सीरा, ये सब जिस दिन मिलाएंगे, और जिस दिन मिलाएंगे उस दिन हम लोग जीरो डे मानते हैं, एकदम जीरो डे मानते हैं, उसी दिन सारा चीज़ हम लोग उसको मिला देते हैं, एकदम ढेर बना लेते हैं, एकदम इकट्ठा करके ढेर बना लेते हैं। ढेर बनाने के बाद इसको चारों ओर से पॉलिथीन से ढक देते हैं। गीले किए गए मिश्रण को मिलाकर करीब 5 फुट चौड़ा और 5 फुट ऊंचा ढेर बना लें। ढेर की लंबाई सामग्री की मात्रा पर निर्भर करती है। ये ढेर 5 दिन तक ज्यों का त्यों बना रहने दें, और जरूरत हो तो बाहरी परतों में नमी कम होने पर आवश्यकता के अनुसार पानी का छिड़काव किया जा सकता है। 2-3 दिनों में इस ढेर का तापमान करीब 65 से 70 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो कि एक अच्छा संकेत है। ढकने के बाद इसको ऐसा हमने आपको हमने 6 दिन तक ऐसे छोड़ दें। 6ठा दिन में हम लोग फर्स्ट टर्निंग पहली पलटाई करते हैं, प्रथम पलटाई करते हैं। अब जैसे पलटाई करने का भी तरीका यह है, जैसे साइड वाला को अलग कर लें, ऊपर वाला को अलग कर लें और नीचे वाला को भी अलग कर लें। इस तरह से तीन पार्ट आपका, तीन भाग बनेगा। तो सबसे जो बीच में जो था, बीच वाला को आपको नीचे रखना है, और ऊपर वाला को बीच में आएगा, और जो सबसे नीचे था ऊपर चला आएगा। इस तरह से हम लोग पलटाई करने का सीक्वेंस इसमें हम लोग करेंगे। करने के बाद फिर हम ऐसा फिर उसके बाद हम लोग इसमें सीट आता है, पॉलिथीन सीट से ढक देते हैं। ढकने के बाद फिर इसको और 4 दिन ऐसे छोड़ देना है। 4 दिन के बाद फिर दूसरी पलटाई करना है। दूसरी पलटाई करने की विधि जो है वो भी उसी तरह से करना है, उसी सीक्वेंस में। पहले जैसे जिस सीक्वेंस में हम लोगों ने मिलाए हैं, उसी सीक्वेंस में फिर मैंने मिला करके एक ढेर बना देना है। ढेर बनाने के बाद फिर इसको हम लोग ढक देते हैं। इसके बाद फिर उसको हम ढक दिया। ढकने के बाद फिर 13वां दिन में थर्ड पलटाई करते हैं। तो पलटाई करने के बाद, पलटाई करने का तरीका वही है, और इस 13वां दिन में हम लोग जिप्सम मिलाते हैं। जिप्सम मिलाने के बाद फिर वही सीक्वेंस में हम लोग इसको ढेर बना देते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग इसी तरह से मतलब हम लोग इसको ढेर बना देते हैं। ढेर बनाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हर 3रे दिन में चौथाई पलटाई भी करना है, फिर आपका 5वां पलटाई इसी तरह से करना है। इस तरह से 8वां पलटाई में हमारी खाद तैयार हो जाती है। इस तरह से 28वां दिन लगता है, एकदम 28 दिन में कंप्लीट तैयार हो जाता है। और 28 दिन में फिर हम इसका चेक कर लेते हैं, कहीं इसमें अमोनिया का गंध तो नहीं है, या और अमोनिया का गंध हम कैसे पहचानेंगे। जैसे गौशाला में किसान भाई जैसे गौशाला में जाते हैं तो कैसे, किस तरह का हमने एकदम गंध आती है, उसी तरह का गंध नहीं होनी चाहिए। ये गंध रहने से क्या, अमोनिया का गंध रहने से क्या हो कि माइसिलियम, जो फंगस का माइसिलियम, इसको मार देता है। इसलिए बिजाई करने से पहले हम सुनिश्चित कर लें कि इसमें अमोनिया की गंध नहीं हो। कंपोस्ट बनाने के दौरान कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है, नहीं तो कंपोस्ट अच्छी तरह नहीं होगा। कंपोस्ट तैयार करने के लिए साफ सुथरे स्थान का चयन करें, और हो सके तो हवादार कमरे या हॉल में कंपोस्ट तैयार करें। कंपोस्ट को तैयार करने के लिए सही मात्रा में अवयवों को मिलाएं और समय पर पलटाई का काम करें। जो भी व्यक्ति पलटाई का काम करते हैं, वे हाथों में दस्ताने और जूते अवश्य पहने। कंपोस्ट को कभी भी खुले स्थान पर नहीं बनाएं। दीवार खड़ा कर लें, लेकिन ओपन टाइप का होनी चाहिए, हवा जाम न, क्योंकि जैसे पलटाई करेंगे तो बहुत गंद करता है, इसलिए उसको भी ध्यान में रखते हुए बंद कमरे में कभी नहीं बनाएं।
ये इन सब बातों को ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। इस तरह से 28 दिन में आपका जैसे चेक कर लिए, चेक करने के बाद अब इसमें अमोनिया की गंध नहीं है, तो ये आप सुनिश्चित कह सकते हैं कि हमारा कंपोस्ट रेडी हो गया। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खेती दूर करने की मांग उठाई है। दौसा जिले में पिछले 3 दिनों से मौसम पूरी तरह से बदला हुआ है, किसानों को भी इस मौसम के बदलाव के साथ ही भारी नुकसान पहुंचा है। अलवर के डहलावास गांव में 2 छात्राएं मनीषा पटेल और रिंकी पटेल ने जिले पर गोल्ड मेडल जीतकर पूरे जिले का नाम रोशन किया है, वहीं अब इन छात्राओं का राज्य स्तर पर चयन हुआ है। कोटा में फांसी लगाकर सुसाइड करने वाली कोचिंग छात्रा के कमरे से बरामद डायरी की पुलिस ने जब जांच की तो यह सामने आया कि पढ़ाई और परिजनों का प्रेशर ये छात्रा नहीं झेल पा रही थी, जिसकी वजह से इसने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। प्रदेश में भाजपा की ओर से निकाली जा रही परिवर्तन संकल्प यात्रा झुंझुनू जिले के प्रवास पर पहुंची, जहां पर महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं की ओर से यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। जिले के प्रतापपुर गढ़ी थाना इलाके के पाटिया डोंगरा और गामली गांव के बीच में नाले में रविवार की देर रात को एक कार पलट गई, हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। अलवर के अग्रसेन चौराहे पर स्थित कृषि उपज मंडी में इन दिनों बाजरे और कपास की आवक लगातार हो रही है, किसानों और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। नींबू की बागवानी आमतौर पर बहुत से किसान करते हैं और इनसे अच्छा फलन भी लेते हैं, लेकिन कई बार इन बागों में रोगों का प्रकोप होने लगता है। खासकर इस समय बागों में कैंकर रोग तेजी से फैलता है, जो कि फलों की उत्पादकता और क्वालिटी को खराब कर देता है। ऐसे में किसान इसका नियंत्रण कैसे करें, इस बारे में बता रहे हैं पौध रोग विशेषज्ञ हेमचंद्र लाल। किसान भाई, नींबू वर्गीय फल जो हैं उसमें देखिएगा कि आपको एक इंडेमिक समस्या है कैंकर का, जिसमें आप पत्तियों पर भी देखिएगा, फल पर भी देखिएगा, टहनियों पर भी देखिएगा कि उग्र अवस्था में टहनियों पर भी ये पस्चुल्स जो हैं ऑरेंज कलर के जो कॉर्की इरप्शंस होते हैं, पहले जो बाद में लाल हो जाते हैं और बाद में देखिएगा डीप ब्लैकिश कलर में हो जाते हैं, ये आपको दिखते हैं। और इससे है कि जब फल पे आ जाते हैं तो फल का क्वालिटी डिटोरिएट हो जाता है और बाज़ार भाव इसका कम मिलता है। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं साइट्रस कैंकर। साइट्रस कैंकर यह जीवाणु जनित रोग है। इसकी पहचान की बात करें तो इससे संक्रमित पत्तियों, फलों और टहनियों पर कत्थई रंग के गोल गहरे धब्बे दिखाई देते हैं। ये धब्बे सूख कर कठोर हो जाते हैं। अधिक संक्रमण पर यह फलों पर भी दिखाई देते हैं। नई पत्तियों पर यह दाग पीछे की ओर भी देखने को मिलते हैं। तो ये एक जीवाणु जनित समस्या है, जैंथोमोनस सिट्रे एक जीवाणु है, बैक्टीरिया है, उसके द्वारा होता है। तो इसमें है कि शुरुआती दौर में जब ये रोग के लक्षण दिखने लगे तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो बाजार में ब्लाइटॉक्स 50 या ब्लू कॉपर 50 के नाम से उपलब्ध है, इस दवा का 3 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर देंगे तो कुछ नियंत्रण आएंगे। जब ये बीमारी आपको उग्र अवस्था में दिखे तो एक इसके इसी दवा के साथ एक एंटीबायोटिक आता है, प्लांटोमाइसिन करके नाम से बाजार में उपलब्ध है। ये 6 ग्राम का पाउडर पाउच मिलता है। तो ये 6 ग्राम का पाउडर जो है, अगर आपके अधिक पौधे हैं नींबू वर्गीय और इसमें आपके साइट्रस कैंकर को इन्होंने आक्रांत कर रखा है, तो आप करिए कि 6 ग्राम को 60 लीटर पानी में 180 ग्राम आप ब्लू कॉपर 50 या ब्लाइटॉक्स 50 ये दोनों दवा को मिला दीजिए, वो आप मिला दीजिए, मिला करके घोल बना करके 2 बार छिड़काव कीजिए। पहले बार जो छिड़काव करते हैं उसके 2 सप्ताह बाद
दूसरा छिड़काव करिए तो आपके फसल इस बीमारी से सुरक्षित रहेंगे। गमोसिस, यह रोग नींबू वर्गीय फसलों में कवक द्वारा होता है। इस रोग के प्रमुख लक्षणों की बात करें तो तने की छाल में सड़न, गोंद निकलना, जड़ों का सड़ना और पत्तियां पीली होकर पौध सूखना दिखाई पड़ता है। कवक के बीजाणु मिट्टी में पड़े रहते हैं जो नमी प्राप्त होने पर तने में संक्रमण फैलाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए रोगरोधी मूल व्रंत का प्रयोग करें। नींबू के बागों में जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। नींबू वर्गीय फसलों की अनियमित कटाई छटाई से बचें। रोग ग्रसित भाग को चाकू से साफ कर रिडोमिल या ट्राइकोडर्मा हाइजेनियम की 100 ग्राम मात्रा का लेप करें और उसके बाद अलसी का तेल चारों ओर लगाएं। डायबिक रोग, नींबू वर्गीय फसलों में इस रोग के फैलने के कई कारण हैं, जैसे रोग कारक कवक द्वारा कीटों का संक्रमण, पोषक तत्वों का असंतुलन, वातावरण में बदलाव, शस्य क्रियाओं से छेड़छाड़, अनियमित छटाई, निराई गुड़ाई, गहरी करना, नमी का अभाव आदि। इस रोग में पौधे की शाखा ऊपर से नीचे की ओर सूखना प्रारंभ होती है। रोग ग्रस्त पौधे में फूल व फलन कम प्राप्त होता है। इसकी रोकथाम के लिए रोग ग्रस्त शाखाओं को काट कर नष्ट कर देना चाहिए। कटे भागों पर बोर्डो मिश्रण का लेप करना चाहिए। जड़ों में गहराई से निराई ना करें। 15-15 दिन के अंतराल पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। तो नींबू वर्गीय फसल को अगर किसान भाई बचाना चाहते हैं तो इन बातों को ध्यान रखें। और पहला छिड़काव में आप तो ब्लैटॉक्स 50 या ब्लू कवर 50 का करें, तब इसको घोल को उपचारित करें और स्प्रे कर दें तो आप अपने फसल को बचा पाएंगे। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता कार्यक्रम में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव लाल सिंहपुरा जिला बीकानेर से विनीत कुमार ने। आप भेड़ की दुम्बा नस्ल के बारे में जानकारी चाहते हैं तो विनीत जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह है अंश। आमतौर पर देखने में आता है कि हमारे किसान भाई कृषि कार्य के साथ पशुपालन भी करते हैं, जो कि उनके लिए अतिरिक्त आय का एक अच्छा साधन है। हालांकि अधिकांश किसान गाय भैंस भेड़ बकरियों का पालन करते हैं, जिनके पालन से वे अच्छी आय भी कमाते हैं। और इसी के तहत आज हम बात करने जा रहे हैं भेड़ की दुम्बा नस्ल के बारे में, जो कि किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ये नस्ल जल्दी तैयार हो जाती है और बाजार में अधिक मांग रहने के कारण किसानों को इसका अच्छा बाजार भाव भी मिल जाता है। किसान भाइयों, भेड़ की दुम्बा नस्ल को पहचान कर आप इनका आसानी से पालन कर सकते हैं। इस नस्ल की भेड़ों में सिंग और पूंछ नहीं होती है और इनकी दुम चक्की के पार्ट की तरह गोल और भारी होती है। किसान भाइयों, मिडिल ईस्ट की दुम्बा के लिए राजस्थान का मौसम बिल्कुल अनुकूल है। यहाँ इनका पालन करके किसान कम लागत में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। जहाँ तक इसके आहार प्रबंधन की बात है तो इसके आहार पर कोई ज्यादा खर्च नहीं आता है। इसको आमतौर पर किसान चराई करा सकते हैं। इसके अलावा सूखा और हरा चारा के साथ संतुलित मात्रा में दाना मिश्रण भी खिला सकते हैं। इस नस्ल की भेड़ों को लोग काफी पसंद करते हैं। खास तौर पर इस नस्ल के नर को बहुत पसंद किया जाता है, तो वहीं इसके बच्चों को भी बेचकर अच्छी आय कमाई जा सकती है। किसान भाइयों, 12 महीने की उम्र में दुम्बा नर का वजन लगभग 92 किलो और मादा का वजन लगभग 65 किलोग्राम हो जाता है। इस तरह बाजार में वयस्क नर 90,000 से 1,50,000 रुपए, तो वहीं मादा 70,000 रुपए और भेड़ के बच्चे 15,000 से 30,000 रुपए में बिकते हैं। एक
एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataRajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889263 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।